बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करें इंग्लिश 505 का लेक्चर नंबर 21। ठीक है, हमने जो है मिड टर्म के लेक्चर जो है वो क्लियर कर लिए थे। अब हमारे पास जो है वो फाइनल टर्म के लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं। और इसमें जो है वो लेक्चर 21 का इसकी हेडिंग क्या है, इसमें बताया हुआ है CUBBICS and CALP। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसके अब्रीविएशन हैं। ठीक है, ये CUP जो है वो है कॉमन अंडरलाइन प्रोफिशिएंसी के एब्रीविएशन। ठीक है, और BICS जो है वो हमारे पास है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक, और जो CALP है वो हमारे पास है कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, इनके ये जो है ये एब्रीविएशन है, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमने पढ़ना है CUP के बारे में, यानी कि कॉमन अंडरलाइन प्रोफिशिएंसी के बारे में। कॉमन अंडरलाइन प्रोफिशिएंसी जो मॉडल था ये पेश किया था कम्स ने एंड स्वेन ने, ठीक है, 1986 में। इनके मुताबिक मतलब अब इसमें कॉमन अंडरलाइन प्रोफिशिएंसी में होता क्या है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे लैंग्वेज है उसके स्ट्रक्चर क्या है, उसका फ्रेमवर्क क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, उस चीज़ को अंडरलाइन करना जो है वो आपकी कॉमन अंडरलाइन प्रोफिशिएंसी कहलाती है। ठीक है, अगर अब हम नेक्स्ट देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगी कि अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस मेंस पीपल हु आर लर्निंग सेकंड लैंग्वेज फॉलोज अ फ्रेमवर्क ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ड्राइविंग फ्रॉम अ पर्सन नॉलेज ऑफ वन लैंग्वेज टू हेल्प हिम और हर लर्न द सेकंड और एडिशनल लैंग्वेज नॉन एज CUP। कि क्या है कि इनके मुताबिक वो लोग जो सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं, एक तो उनका फ्रेमवर्क जो है उसको पता होना चाहिए, उनको स्ट्रक्चर उसका फंक्शन जो होता है, ठीक है, उसका नॉलेज क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे लिए बहुत मददगार साबित होती हैं। मिसाल के तौर पर स्ट्रक्चर कैसे, जैसे हम एक फर्स्ट लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश है या उर्दू है, ठीक है, हम एक लैंग्वेज है उसको सीख लेते हैं और उसके लिए क्या होता है कि हमारा हमें पता है स्ट्रक्चर जो होता है लैंग्वेज को सीखने के लिए सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है एक सेंटेंस बनाने के लिए। तो उसमें क्या है कि अगर आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, वर्ब यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, कोई भी तो सिंपल आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, ठीक है, उसका फ्रेम पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, अब बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो कॉमन होती हैं एक लैंग्वेज के अंदर दूसरी लैंग्वेज के अंदर भी, ठीक है, L1 और L2 के अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे स्ट्रक्चर हो गया, कोई भी फ्रेमवर्क हो गया, कोई भी फंक्शन हो गया, ठीक है, कोई भी चीज़ रूल्स वगैरह होते हैं, तो ये चीज़ें सेम हो सकती हैं। तो इसी तरह अगर आपको एक लैंग्वेज अच्छे से आपको अगर आती है तो आप दूसरी भी उसके लिहाज से उसको ईजिली सीख सकते हैं, क्योंकि उसका फ्रेमवर्क, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन वगैरह आपको पता होगा और आपको उसके बारे में नॉलेज होगा। इसमें बस ये चीज़ें बताई गई हैं। और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है 75। ठीक है, इसका क्या है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, यानी कि BICS। अब इसमें क्या बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू कमेंस बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉट वेरी डिमांडिंग एज दे आर लैंग्वेज स्किल्स नीडेड इन सोशल सिचुएशन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो एक कॉमनली अट्रैक्शन होती है, मतलब जिस तरह आम रूटीन में लोगों के आपस में अट्रैक्शन हो रही होती है, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, ये उस चीज़ पे मबनी है। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई डिमांडिंग नहीं होती कि कोई चीज़ कॉन्टेक्स्ट पे बेस नहीं होती, कोई स्पेशल टॉपिक जो है वो नहीं क्रिएट किया जाता, बल्कि आपकी जो रोज़मर्रा की डे टू डे जो कन्वर्सेशन हो रही होती है, इंट्रैक्शन हो रही होती है लोगों से, उस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। आप जो है वो लोगों से वर्बली भी बात कर रहे होते हैं, नॉन वर्बली भी बात कर रहे होते हैं। वर्बली क्या होते हैं, बोलचाल से, ठीक है, आप रिएक्शन दे रहे होते हैं, आप बात का जवाब दे रहे होते हैं, ठीक है, और नॉन वर्बली होता है कि आप अपने एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक, जैसे आपका फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, आई एक्शन होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कहते हैं इशारों की ज़बान होती है, जो वो आपके पास होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें वही बताया गया है कि आप वर्बल और नॉन वर्बल रोज़मर्रा जो है वो लाइफ में अपने डे टू डे और इसको इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, तो ये सारी जो आती है वो आपकी आती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर। और साथ साथ इसमें आप अपना जो पैगाम होता है उसको डिलीवर करने के लिए आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन और इसके अलावा आई एक्शन जो होते हैं और बहुत सारे ऐसे एक्शन जो होते हैं आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। इसमें ये चीज़ बताई हुई थी और इसमें एग्जांपल जो है वो आपको बताई गई हैं, जैसे ऑब्जर्विंग स्पीकर्स नॉन वर्बल बिहेवियर, आप जैसे नॉन वर्बल बिहेवियर को आप फेशियल एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं, आई एक्शन से समझ सकते हैं, ठीक है,
और दूसरों के रिएक्शन से उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं दूसरों को, और यूजिंग वॉइस क्विज सच एज फ्रेजिंग, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस, ठीक है, आप उसकी वॉइस से समझ सकते हैं उसको कि किस तरह की, जो अगर कोई सामने वाला बात कर रहा है तो वो किस ट्यून में बात कर रहा है, वो ठीक है ज़्यादा ऊँचे लाउडली बात कर रहा है या कम आवाज़ में बात कर रहा है, ठीक है, तो इसमें भी ये आ जाती है, ठीक है। और ऑब्जर्विंग फीचर्स, कंसीडर ऑब्जेक्ट एंड अदर कॉन्टेक्सुअल क्यूज, ठीक है, आप कोई ऑब्जर्व फीचर करते हैं, पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं तो आप कोई ना कोई ऑब्जेक्ट वो कंक्रीट हो रहा होता है, मतलब वो पिक्चर से भी आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल रहे होते हैं, आप उसको पहचान के कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और इसमें जो है वो आप ये नहीं होता कि लैंग्वेज की डिमांड नहीं होती कि आप स्पेसिफिक लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि जो आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है आप उसका इसमें यूज़ कर सकते हैं अपनी बातचीत में, कन्वर्सेशन के अंदर। आगे हमारे पास टॉपिक है 76, इसमें आता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपको स्पेसिफिक जो है वो किसी भी चीज़ की रीज़न देनी पड़ती है, कोई भी चीज़ है उसको डिफ़ाइन करना पड़ता है, ठीक है, क्वेश्चन आंसरिंग है उसको अच्छे से कवर करना पड़ता है, ठीक है, मतलब वो देना पड़ता है, हर चीज़ की आपको एक रीजनिंग देनी होती है, आपको एक उसका बैकग्राउंड बताना होता है, एक मतलब स्टोरी क्रिएट करनी होती है, एक डिबेट जो है वो क्रिएट करनी होती है, डिबेट देनी होती है, ठीक है। अब इसमें वही बताया कॉग्निटिव एकेडमी प्रोफिशिएंसी यानी कि CALP इज अ टर्म प्रपोज्ड बाय जिम कॉमिंस, ठीक है, जिम कॉमिंस ने दी थी, विच रेफर्स टू द स्टेज ऑफ लर्निंग दैट लर्नर्स गो थ्रू आफ्टर दे हैव मास्टर सोशल, ठीक है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स के। इसमें क्या होता है कि आप ये रेफर करती है, ये स्टेज तब होती है जब आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर या किसी भी चीज़ में मास्टर कर लेते हैं, ठीक है, उसमें ये फिर उसके बाद ये जो स्टेज फिर स्टार्ट होती है आपकी, कि इसमें मास्टर ज़रूरी है, क्योंकि आपने अगर कोई डिबेट वगैरह करनी है, कुछ रीजनिंग किसी चीज़ की देनी है, कुछ उसका बैकग्राउंड वगैरह करना है, तो उसमें अगर आपको आप खुद मास्टर होंगे तो आप अच्छे से कर सकेंगे वो काम, अगर आप खुद को आपको नहीं पता होगा तो आप वो अच्छे से नहीं कर सकेंगे, ठीक है, वही बात इसमें बताई गई है। और इट इज़ द स्टेज वेयर द डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लैंग्वेज प्रेफरेंस टेक प्लेस इन कॉन्टेक्स्ट रिड्यूस एकेडमिक सिचुएशन, ठीक है, वेयर लैंग्वेज इज dismembered the situation is often to context reduced development of academic language is often abstract, ठीक है, वही बात है कि इसमें एक जो है वो एक context होता है, एक context based जो है वो कन्वर्सेशन हो रही होती है, और इसमें डिबेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि हमने ऊपर जो पढ़ा था बेसिक का बेसिक इंटरवर्स कम्युनिकेटिव स्किल में, इसमें ये था कि आप रैंडमली बात कर रहे होते हैं, जो भी कन्वर्सेशन डे टू डे कर रहे होते हैं, आपकी इंट्रैक्शन हो रही होती है लोगों से, उसमें ना ही आपकी लैंग्वेज को स्पेसिफिक रखा जाता है, मतलब जो आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है उसी में आप अपने जज्बात एहसास का इजहार कर रहे होते हैं, दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं सिंपली, तो वो होती है आपकी बेसिक इंटरपर्सनल, मतलब आप जो रोज़मर्रा लाइफ में डे टू डे इस्तेमाल कर रहे होते हैं लैंग्वेज। बट इसमें क्या होता है कि आपको मास्टर करना पड़ता है हर चीज़ में, क्योंकि आपने हर चीज़ की लॉजिक बतानी होती है, आपने कोई स्टोरी क्रिएट करनी है, आपने डिबेट्स देनी है, कोई भी क्वेश्चनिंग अगर आप क्वेश्चन किया गया है तो उसने उसके आपने आंसर देना है, उसमें उसके रीजनिंग फाइंड आउट करनी है, तो हर चीज़ के लिए इसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देन आपका जाता है टॉपिक 77, इसमें है कंपैरिजन, आपका दिया गया है BICS में और CLP, ठीक है, दोनों के दरमियान। अब CLP सुगेस्टेड एक्टिविटीज़, इसमें क्या होता है कि आपको राइटिंग स्टोरी, आपको स्टोरी राइटिंग करनी पड़ती है, होल्डिंग बुक रिव्यूज़, ठीक है, इनेक्टिंग प्लेज, डिस्कसिंग व्हाट यू हैव रीड, कलेक्टिंग वर्ड्स, कंडक्टिंग डिबेट्स, सेलेक्टिंग रोल प्लेज, ठीक है, प्रेजेंटिंग थेमेटिक व्यू पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें इसको CALP के लिए आपको ये सारी चीज़ें मतलब करनी पड़ती हैं, बुक्स का रिव्यू करना पड़ता है, कलेक्शन करनी पड़ती है वर्ड्स की, डिबेट्स वगैरह कंडक्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है, स्पेशल अकेडमी वगैरह ज्वाइन करनी पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जबकि VIC सुगेस्ट एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि इसमें स्किल्स दैट स्टूडेंट्स नीड टू गेट थ्रू द डे टू इन फेस टू फेस सिचुएशन, ठीक है, जब भी आप दूसरों से इंट्रैक्शन होते हैं, दूसरों से बातचीत कर रहे होते हैं फेस टू फेस से, इससे से आप बच्चे जो होते हैं वो सीख जाते हैं, ठीक है, बोलना, और स्टूडेंट जो है वो सीख जाते हैं, और विजुअल्स पिक्चर्स बुक्स एंड मैगजीन विद पिक्चर्स फोटोज ऑब्जेक्ट्स मैप्स चार्ट्स ग्राफिंग ऑर्गेनाइजर ड्राइंग रोल प्लेइंग गेम ETC, ठीक है, इसमें ये होता है कि आप कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं, ठीक है, पिक्चर्स है, ऑब्जेक्ट है, मैप्स हैं, उसको देख के आप चीज़ें सीख रहे होते हैं,
और उसके बाद सिंप्लीफाइड लैंग्वेज एंड टेक्स्ट, ट्रांसलेशन, समराइज ऑफ टेक्स्ट बाय पेयर्स, ठीक है, और बाकी आप जो सिंपली जो टेक्स्ट होते हैं उसको पढ़ के, ट्रांसलेशन वगैरह, समरीज वगैरह, तो उसको आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। और उसके लिए गेस्टेज आ जाते हैं, एक्सपीरियंस आपका आ जाता है, एक्टिविटीज, सैंपल, मॉडल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं तो इन चीज़ों से आप, अगर आप स्कूल में कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा जो है मास्टर करने की ज़रूरत नहीं, इसमें जो है वो आपको मास्टर करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप जो है एक सिंपल से कोई भी चीज़ पढ़ के उसके बारे में आप बता सकते हैं। और इसके अलावा इसमें कोई भी स्पेशलिस्ट जो है वो करने की ज़रूरत नहीं होती, स्पेशलाइज करने की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, इसमें दोनों में ये चीज़ फ़र्क है, ये आपको लाजमी इसका पता होना चाहिए कि इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो सके। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।